हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। जब हम रूफस से कोई बूटेबल पेनड्राइव बनाते हैं तो हमारे सामने एक एरर आता है, ISO इमेज एक्सटेंशन फेलियर। तो आज हम इसी एरर को फिक्स करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाइए और उसकी सर्चिंग बार में लिखिए www.technictechnicke.xyz। फिर एंटर कीजिए, फिर सर्च बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए WinRQ। उसके बाद एंटर कीजिए, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है और डाउनलोड हियर पर क्लिक करना है। अब डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मेरा कंप्यूटर 64 बिट का है तो मैं 64 बिट की फाइल डाउनलोड करूँगा। तो आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसे डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ। अब मैं इस एप्लीकेशन को डबल क्लिक करके रन करता हूँ। आई एग्री, इंस्टॉल, नेक्स्ट, क्लोज। अब मैं एक डेस्कटॉप पे नया फोल्डर बनाता हूँ, विंडोज़ की ISO इमेज पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन विथ WinRQ करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू अनरजिस्टर करूँगा। अब यहाँ पे मैं इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने बनाया है। ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी ISO इमेज एक्सट्रैक्ट हो रही है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद मैं इन सब को क्लोज करता हूं और उस फोल्डर को ओपन करता हूं। तो आप यहां पे देखेंगे एक फाइल बन जाती है autorun.inf की। तो मैं इस फाइल को डिलीट करूंगा। अब मैं इन सभी फाइल्स को सेलेक्ट करूंगा और इन पर राइट क्लिक करके WinRQ में जाके एड टू RQ करूंगा। अब यहां पे कंटिन्यू अनरजिस्टर पर क्लिक करूंगा। अब मुझे बस यहाँ पे ISO इमेज फाइल को सेलेक्ट करना है और ओके करूँगा। तो मेरी ISO इमेज वापस बनना चालू हो चुकी है। अब आपकी नई ISO इमेज बन चुकी है। तो आप इससे अब रूफस के अंदर बूटेबल पेनड्राइव बना सकते हैं। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने पेनड्राइव अटैच कर दी है। अब यहाँ से मैं ISO इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने जो न्यू ISO इमेज बनाई थी मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा कोई भी एरर नहीं आ रहा है ISO इमेज एक्सट्रैक्शन फेलियर का। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।